बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन। हिनाज हेवन में आज हम घर के कपड़े धोएंगे जो कि हमने क्लीनिंग करनी है एक ऑटोमेटिक मशीन में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऑटोमेटिक मशीन में एक पाकिस्तानी तरीके से कपड़े धोए जा सकते हैं, साफ़ हो सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन सबको ही चलानी आती है, आजकल सबके घरों में है, लेकिन क्या है कि फिर भी उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ इस तरह सा तरीका होता है जो कि सबको नहीं आता है कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करके और जो है बहुत अच्छे कपड़े धो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी पुरानी मशीनों में धोया करते थे। तो आइए व्यूवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन में हम अपने कपड़े वॉश करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो लॉन्ड्री हमारी बकेट है, हम लॉन्ड्री बकेट को लेके जाएंगे और उसमें से हम उसमें कपड़ों को अलहदा करेंगे, यानी कि कलरफुल कपड़े एक जगह, वाइट एक जगह। हम चूँकि पाकिस्तानी हैं तो हमारे मर्दों के अलग धुलते हैं, बच्चों के अलग धुलते हैं और औरतों के कपड़े अलग धुलते हैं। तो इसी तरीके से आइए हम इनको अलग करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, आप जो मर्द हजरात होते हैं, अपने हस्बैंड या बेटा या शौहर जो भी है, आप उनकी पॉकेट्स लास्ट में चेक किया करें, क्योंकि उसमें टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे उन्होंने पैसे रख के भूल जाते हैं, कोई कार्ड्स वगैरह होते हैं। तो अक्सर औरतें यही करती हैं कि वो वॉशिंग मशीन में ऐसे ही कपड़े डाल देती हैं और वो साथ ही धुल जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी आदत बना लें कि कपड़े धोने से पहले सबसे पहले आपने उनकी पॉकेट्स लाजमी चेक करनी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम वाइट कपड़े अलग करेंगे। चलिए व्यूअर्स, ये हमने कपड़े अलग कर दिए हैं, अब हम इनको वॉशिंग मशीन में डालेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने बेडशीट अलग की है, बेडशीट वगैरह अलग धोएंगे, जेंट्स के रंगीन कपड़े अलग धोएंगे, लेडीज़ कपड़े हम अलग धोएंगे और वाइट हम अलग धोएंगे। तो व्यूअर्स, आएँ ऑटोमेटिक मशीन में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कपड़े धोते हैं। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले डालेंगे हम ये सफ़ेद कपड़े, हम मशीन के अंदर डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से मशीन ऑन किया जाता है, इसका प्रोग्राम कैसे सेट किया जाता है। मेरे पास एक ऑटोमेटिक मशीन है, मैं आज आपको इसके अंदर कपड़े धोने का तरीका बताने लगी हूँ। वैसे तो इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है कि डिटर्जेंट अलग डालने की जगह है, सॉफ्टनर डालने की जगह अलग है और लिक्विड डिटर्जेंट डालने की जगह अलग दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जस्ट अंग्रेज़ों ने मशीन बना दी है और उन्होंने ये जगह यहाँ पर दे दी है, लेकिन जब आप पानी डालते हैं तो इसमें से डिटर्जेंट जो हमारा बना हुआ है वो यहाँ पर ठहर जाता है, जो कि कपड़ों में नहीं जाता। और फिर यही शिकायत आती है कि जी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो साफ़ कपड़े नहीं धोती, इसलिए नहीं धोती क्योंकि डिटर्जेंट सारा यहाँ ठहर जाता है और वो पानी के साथ नहीं आता, जिसकी वजह से जो है वो कपड़े साफ़ नहीं धुलते। तो मैं आपको बताऊँगी कि ये जो जगह दी हुई है ये जस्ट आप समझें कि मशीन बनाने वाले ने बना दी है, आपने इसको पाकिस्तानी तरीके से कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसके अंदर कपड़े डाले,
जैसे कि आपने देखा कि मैंने साबुन को कट किया है और मैंने साबुन को कट कर मेरे पास ब्लैक सॉक था तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, सॉक के अंदर डालने का ये वजह ये है कि कपड़े के साथ साबुन चिपकता नहीं है और जितना यूज़ होना होता है वो इसी के अंदर रह जाता है और जितना एक्स्ट्रा जो होता है वो इसी के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से आप दोबारा उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप एक सॉक्स के अंदर ही जो है वो सोप को कट करके डालें और ये ऊपर से डलेगा। फिर आपने डिटर्जेंट लेना है। डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं जितना डालना चाहें, कपड़ों के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आप डिटर्जेंट डालेंगे, देन क्लोज इट। अब आप यहाँ फंक्शंस देखें, मैं आपको फंक्शंस बताती हूँ। फंक्शंस में आपने सबसे पहले मशीन का स्विच ऑन करना है। ये मशीन का आपने स्विच ऑन किया, यहाँ से आपने मशीन का पावर ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद आप ये देखते हैं फंक्शंस यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। मशीन आपसे पूछ रही है कि आपने नॉर्मल या क्लीनिंग करनी है या डीप क्लीनिंग करनी है। वूल है अंदर, हैवी है, डेलिकेट है, स्पिन है, एयर ड्राई, क्विक, ये फंक्शंस हैं कि अंदर आपने जो कपड़े डालने हैं वो आपने किस तरीके से वॉश करने हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि हमारी पाकिस्तानी जो है वो नॉर्मल क्लीनिंग होती है। नॉर्मल क्लीनिंग के लिए आप वाटर लेवल, सबसे पहले आप ये सेटिंग जो है, क्या कहते हैं, कैसे यूज़ करने बटन मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने वाटर लेवल की तरफ जाना है। वाटर लेवल की तरफ जाने के लिए आप ये प्रोसेस बटन ऑन करेंगे। प्रोसेस में आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मिनट्स, 6 मिनट्स, यानी कि वाटर लेवल आपने 6 मिनट का रखना है। तो आपके कपड़े अगर कम हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये तकरीबन आपके पास 10 लेवल तक होता है वाटर लेवल, तो आप 10 लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, 8 उससे नीचे होता है, ड्रम पूरा भर जाता है। ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ड्रम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बड़ा ड्रम है इस मशीन का। तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा वाटर लेवल की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, हमारे चूँकि कपड़े कम हैं तो मैं उस हिसाब से 5 वाटर लेवल रख रही हूँ। वॉश टाइम आप यहाँ देख सकते हैं कि मशीन जो वॉश कर रही है वो कितना मिनट अपने आप को प्रोसेस में घुमा रही है। तो उसके लिए जो है यहाँ 12 लिखा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे 20 मिनट पूरा घूमे का रिंस टाइम 2 टाइम, यानी कि कितनी दफ़ा मशीन अपने अंदर पानी भरकर कपड़ों को धोकर बाहर निकालेगी। तो मैंने उसे 2 टाइम रखा है, 2 टाइम ही रखेगा, यही सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद होता है स्पिन टाइम कितना होना चाहिए, यानी कि कितना मशीन निचोड़े और उसे ड्राई करे। तो मैं 5 रखती हूँ और यही सबसे बेस्ट होता है। और आप यहाँ से स्टार्ट और पॉज का बटन है, आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, मशीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें, मशीन ऑटोमेटिक है तो पानी लेना शुरू कर दिया है इस मशीन में। अच्छा, इस मशीन की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बीच में कुछ और कपड़े ऐड करना चाहते हैं तो आराम से आप ये मशीन का खोल सकते हैं कैप, और उसके बाद आराम से बंद करें और फिर यहाँ से स्टार्ट बटन को, क्योंकि ये पॉज हो गई है मशीन अब इसका ढक्कन खुलने की वजह से, तो आप इसको दोबारा स्टार्ट का बटन दबा दें। स्टार्ट का बटन दोबारा दबाने की वजह से मशीन फिर पानी लेना स्टार्ट कर देगी और इस तरीके से वो अपना वर्क स्टार्ट कर देगी। इतने हमारे कपड़े मशीन में जा चुके हैं, तो मैं आपको बीच में एक और टिप देती हूँ। मेंस की जो शर्ट होती है, इसके जो कॉलर्स और कफ वगैरह जो गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि पहले से इसके अंदर ब्लीच लेके इसको पहले से वॉश बेसिन में इसको आपने वॉश करना है रगड़ कर, उसके बाद आप वॉशिंग मशीन के अंदर इसको डालिएगा। जब आप उसके बाद ये जो है शर्ट आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी। व्यूअर्स, मशीन हमारी ऑटोमेटिक मशीन का जो हमने टाइम लगाया था, टाइमर हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम जो है वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब मशीन अपना टाइमर पूरा ऑफ कर लेती है, यानी कि उसका वॉश का टाइम, वाटर लेवल, रेंस और इसका जो है स्पिन टाइम, जब सारा सब कुछ अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है, तो इसके सारा ये ऑफ हो जाती है खुद ब खुद, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसके ऑफ खुद ब खुद ऑफ फंक्शंस ऑफ करने के बाद आपने करना ये होता है कि आपने इसका जो मेन स्विच है, जो स्विच बटन है, आपने उसको ऑफ करना होता है। उसके बाद आप जो है इसका कैप खोलेंगे और आपने जो इसके अंदर अपने वाइट कपड़े जो हमने डाले थे वो हम निकालेंगे और उसे ड्रायर, और ये बहुत अच्छे ड्रायर हुए हैं, ये इतने अच्छे ड्रायर हुए हैं कि अगर आप इसे अपने तार पे या जहाँ भी आप डालना चाहे डालेंगे तो विद इन अ 10 मिनट्स जो है ये ड्राई हो जाते हैं। इतनी अच्छी जो है इसकी क्वालिटी है, इतना अच्छा इसका फंक्शन है, इतना अच्छा इसका वर्क है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से मैंने आपको यूज़ करना बताया। इसी तरीके से आप बाकी कपड़े भी आप इसी तरीके से टब में डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स के जो है आपने कम डाले हैं या ज़्यादा डाले हैं। इसी तरीके से वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम, ये सब आप अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स जो हैं ये आप फंक्शंस आप सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू अपने कपड़े जो है आप ये वाले प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। जब आप प्रोग्राम और प्रोसेस सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद ये मशीन बहुत अच्छे से हमारे कपड़े वॉश करती है। तो हमारी ये जो शिकायत होती है कि जी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो साफ़ कपड़े नहीं धोती है और जी वो अच्छे नहीं धोती है, वो सर्फ नहीं लेती है या पानी सही से नहीं लेती है, इसमें कपड़े पाक नहीं होते हैं, ये उम्मीद है कि आपकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आ जाएगी ऑटोमेटिक मशीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।